लाहौर सुबह खैर जनाब, एक नए दिन एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसकून और मुतमईन जिंदगी भी अपनी गुजार रहे होंगे। जनाब आपको पता है ना कि मुतमईन और पुरसकून जिंदगी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है जो हमें मिली है, और मेरा ख्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और खुशी एक मुतमईन और पुरसकून जिंदगी ही है, और ये तभी मुमकिन हो पाती है जब आप हासिल पर शुक्र अदा करते हैं और लाहासिल पर सब्र करना सीख जाते हैं। इंसानी अगर फितरत देखा जाए तो फितरी तौर पर हम लोग बड़े लालची पाए जाते हैं, हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा की तलब हमारा सुकून छीन लेती है, और इस मौके पर बाबा जी कहा करते हैं कि जितना मिल जाए ना उस खुशी से उसे कबूल करना चाहिए और उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। हो सकता है ये जो हमें मिल रहा है हमारी औकात से कहीं ज्यादा हो, हम तो गुनाहगार से बनते हैं, तो ये उसी का फजल है, ये अल्लाह का ही फजल है और कर्म है कि जो उसने हमारे ऐब छुपाए हुए हैं और वो किसी को किसी के सामने हमें बेऐब नहीं करता। तो इसलिए हमें किसी भी हालत में हो हम लोग हमेशा हासिल पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए और लाहासिल पर सब्र की आदत अपनाएं, और फिर देखें जिंदगी में इत्मीनान इतना आएगा, पुरसकून जिंदगी इतनी गुजरेगी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप हर चीज पर शुक्र अदा करने लग जाते हैं ना तो फिर जनाब आपको मजीद ज्यादा नवाजा जाता है, और जब हर चीज पर शिकवा करने हम अल्लाह से शिकवा करना शुरू हो जाते हैं तो फिर अल्लाह भी नाराज हो जाता है। अल्लाह भी कहता है कि मैं अपने बंदे को इतनी अच्छी जगह पर इतने अच्छे हालात में रख रहा हूँ फिर भी ये नाशुक्री कर रहा है, तो फिर अल्लाह पाक भी अपना जो हाथ है ना वो थोड़ा सा रोक लेता है। तो इसलिए अल्लाह को खासतौर पर हमें नाराज नहीं करना है, वो जिस चीज से भी हमें नवाजता है जनाब उसे हंसी खुशी और खुले दिल के साथ अपनाने की जरूरत है। और ये प्रैक्टिस आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि इर्द गिर्द हमारे जो है खास तौर पर यही होती है कि हम लोग इतने बेसब्रे हो चुके हैं कि हम लोग उस चीज का भी जो प्रेजेंट मोमेंट होता है ना उसका भी मजा नहीं लेते हैं, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा की ख्वाहिश में आगे बढ़ते जाते हैं और जो इत्मीनान है जो चैन है हमारी जिंदगी का वो कहीं हम लोग पीछे छोड़ आते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, सब्र करें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस काल में दिन मनाया जा रहा है, और इसकी वजूहात हेपेटाइटिस की तशखीस और इसके इलाज और खात्मे से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है ताकि हमारे मुआशरे में शऊर पैदा किया जा सके और उसका बाइस बनने वाली वजूहात का तदारुक भी किया जा सके। तो हेपेटाइटिस दुनिया भर में बहुत एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, और अगर पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त बात की जाए तो पाकिस्तान में सालाना 5 लाख अमवात का सिरा कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस से जा मिलता है, और पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी और 50 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार है, और इस मर्ज के फैलाव की रफ्तार हैरान कुन है। यानी मुल्क भर में हर साल 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है खासतौर पर इस बीमारी के हवाले से। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक बताया जाता है कि दुनिया भर में इस मर्ज का दूसरा बड़ा शिकार पाकिस्तान है। क्या वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लोग इस मर्ज में मुबतला हो रहे हैं और अपनी जान की बाजी तक हार जाते हैं, क्यों अभी तक पाकिस्तान में इस बीमारी पर काबू नहीं पाया गया है? तो हेपेटाइटिस का मर्ज है क्या, इसकी वजूहात क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया अशरफ है, पैथोलॉजिस्ट हैं, और जनाब हेपेटाइटिस के हवाले से उन्होंने बड़ी ही खिदमात सर अंजाम दी हैं और इस पर बड़ा रिसर्च वर्क भी किया है। डॉक्टर फौजिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फौजिया सबसे पहले तो हेपेटाइटिस आज उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से, सबसे पहले हमें बताइए कि इससे जिसकी कंपेन थी मैंने सुना है वो आप ही ने स्टार्ट की थी, तो उसके हवाले से सबसे पहले हमें बताइए कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी इसमें। जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का इस प्रोग्राम में, और आपकी एक प्रोग्राम की वसादत से हम अपनी आवाम को गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं डिफरेंट वायरसेस का, और हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ वन ऑफ द वायरसेस जो कि आरएनए वायरस है और बहुत तेज़ी से अपनी वो भी अपनी हैयत चेंज करता है। और इस पे आप मेरी कंट्रीब्यूशन पूछ रही हैं, असल में मेरी पीएचडी जो है वो है उसका टॉपिक ही ये था, हेपेटाइटिस सी वायरस। अच्छा। जो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो जिगर के ऊपर कैसे असर करता है, यानी अगर मैं उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करूं तो ऐसा है कि जीन एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं ना, जीनियाती उसका तजजिया
जीनियाती तजिया एक ह्यूमन जीनोम है, जिसे आपने देखा होगा एक डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड्स ऐड होते रहते exactly, हैं। इसी तरह एक ह्यूमन जीनोम होता है, ठीक है, कि जो हर एक इंसान के अंदर एक आपका जो जीनियाती जो आपका मरकब है वो कैसे बना हुआ है, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। ओके, अब कुछ जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ये कि अपना असर दिखाते हैं और कुछ असर नहीं दिखाते, ठीक है। तो जो मेरी पीएचडी थी उसका टॉपिक था कि हेपेटाइटिस जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग ऑफ हेपेटाइटिस सी रिलेटेड लिवर डिजीजेस, के जिगर पे जो असरात हैं दर्जा बदर्जा कैसे हेपेटाइटिस सी वायरस उसके ऊपर असर करता है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथों ये वाली रिसर्च कराई। अच्छा। और इसमें हेपेटाइटिस सी के जो असल पेशेंट्स थे, ओरिजिनल पेशेंट्स जो जिना हॉस्पिटल में आ रहे थे, उनका मैंने बायोप्सी ली। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है जब हेपेटाइटिस सी होता है, तो उसमें अगर आप उस बायोप्सी लेंगे तो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अच्छा। कई दफ़ा जिगर इतना सुकड़ चुका होता है कि वो इतना सख्त हो जाता है पत्थर की तरह। अच्छा। कि बायोप्सी लेना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ओके। तो हम एक एक पेशेंट को एडमिट करते थे डेली बेसिस पे, और उनके भी हम बायोप्सी लेके उसका जो टिश्यू प्रिजर्व करते थे उसके उस बायोप्सी की हम जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग मैंने देखी, और इसके लिए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। ओके। और ये कि आपको हैरानी होगी कि 4 नोवेल जीन्स डिस्कवर किए जो इससे पहले ह्यूमन जीनोम में नहीं थे। ओके। और इसका था उनमें से 3 जो जीन्स थे डाउन रेगुलेट हुए, 1 अप रेगुलेट हुए। दैट मीन्स कि आपको मैं उसका लुबे लुबाब कंक्लूजन बताऊँ कि रिसर्च का ये था कि हमारी अपनी पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस जब अंदर आता है कुछ लोगों में तो कोई असर नहीं छोड़ता, वो खुद ब खुद ही खत क्लियर हो जाता है, वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। और कुछ लोगों में जिनमें वो जीन एक्सप्रेशन होता है, जिनके अंदर वो जीन होता है और वो एक्सप्रेस करता है, तो वो इतनी तेजी से वो खुदा ना खास्ता जिगर के कैंसर की तरफ ले जाता है, हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोम हो जाता है, वो इतनी ज्यादा वर्स्ट होना शुरू हो जाती है, वर्स्ट होना शुरू हो जाती है कि वो कैंसर बन जाता है और पेशेंट की मौत वाकई हो जाती है। लेकिन आपने हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का इनाकाद भी आपने किया था, तो उस वाले से हमें बताइए। हुकूमत पंजाब का ये एक प्रोग्राम था जिसको आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था। अच्छा। ये हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम था। अब क्योंकि पंजाब की पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर की पहली पीसीआर लैब मैंने बनाई थी यहाँ। अच्छा। पे और इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थी। इसका मतलब ये है कि जो इसमें हम किट यूज़ कर रहे थे वो तजर्बे वाली नहीं थी, रिसर्च पर्पज़ वाली नहीं थी, ये ह्यूमन डायग्नोस्टिक इनविट्रो डायग्नोस्टिक वाली थी। अच्छा। इसमें जो फ़र्क है जो हमारे पढ़े लिखे अवाम है और जो हमारे साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको पता है कि रिसर्च पर्पस वाली किट्स कौन सी होती हैं और डायग्नोस्टिक वाली कौन सी होती हैं। कर सकते हैं ज़्यादा बिल्कुल जो ऐसे रिजल्ट हों कि जो आप रिप्रोड्यूस कर सकें, जब आप एक दफ़ा रिजल्ट देते हैं दोबारा आप टेस्ट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, वही ऑथेंटिक होता है डायग्नोसिस के लिए। अब आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं, क्यों 28 जुलाई मना रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जो नोबेल प्राइज विनर थे बारूश ब्लूमबर्ग, उनकी सालगिरह होती है 28 जुलाई। अच्छा। को और उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस पे काम किया था। ओके। और उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इजाद किया और उसकी वैक्सीन भी बनाई। कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, क्या बात। तो मैं बीइंग मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजी पे मेरा ज्यादा काम है, इसलिए वायरोलॉजिस्ट भी आप पिछले प्रोग्राम से हम बताते रहे, तो मेरा ये था कि जब अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया हो तो नफ़ा देने वाला इल्म, और जिसे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जब इल्म हासिल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। तो मेरा जो एक जहन में था, जिसे आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया अपने प्रोग्राम के शुरू में कि तमानियत इत्मीनान किस चीज़ में, तो मेरा ये था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अमेरिका से वापस आई तो मेरा इरादा था कि मैं अपनी प्राइवेट लैब बनाऊंगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने ये आज पूछा तो मैं आपको बता रही हूँ, उस वक्त मैंने फिर इरादा चेंज किया जब मैंने रिसर्च की। जब आपने कोई काम शुरू करना होता है तो आप उसका एक पूरा रिसर्च वर्क करना पड़ता है, होमवर्क करते हैं आप। तो मैंने जब वो देखा कि यहाँ पर हमारी आवाम में हर छठा बंदा उसको हेपेटाइटिस बी या सी था। अब बी जो है वो इसकी वैक्सीन तो है, सी की वैक्सीन नहीं। वजह क्या है कि हर छठा बंदा बी या सी उस का... ये उस वक्त की बात है, उसकी बात तो 9.5% हो गया, मतलब और ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया। वजह इसकी जो है ना मुनीबा,
5 किस्म के हेपेटाइटिस सी वायरसेस होते हैं. अच्छा सॉरी हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई. ओके. अब इसमें ए और ई जो है ये ज़्यादा फैलता है कंटेमिनेटेड फूड कंटेमिनेटेड वाटर से. okay. जिसमें फुजला जात होते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, जब वो कंज्यूम होता है किसी और हेल्दी पर्सन से वो वायरस उसमें जाता है और कुछ लोगों में तो वो क्लियर हो जाता है और कुछ लोगों में बीमारी छोड़ जाता है. ठीक है. अब हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है, उसमें इतनी क्योंकि अक्यूट कंडीशन होती है ट्रीटमेंट होती है ठीक हो जाता है और वो ठीक हो जाता है. लेकिन जो बी सी और डी जो हैं ये कंसर्न, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दोज वायरसेस, कि जब एक वायरस जाता है अंदर कुछ लोगों में तो ठीक है नेचुरल इम्यूनिटी होती है क्लियर हो जाता है. हमें तो हमारा फिक्र उस वक्त ज़्यादा होता है जब वायरस जाके बीमारी पैदा कर देता है और उसके बाद उसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. अब जब मैंने फिर यहाँ पे पीसीआर लैब बनाई और वहाँ पे हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू किए, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया 2006 में बाकायदा इसका आगाज़ हो गया और फिर जितने हमारे सराउंडिंग्स में हॉस्पिटल्स थे वहाँ से सारे सैंपल्स मेरी लैब में आते थे जहाँ पे हम टेस्ट करते थे. ठीक है. ऐसे ही फिर इसी जो हमारा पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था ये बढ़ते बढ़ते फिर प्राइम मिनिस्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को भी हमने मुस्तहकम किया और उसके बाद अल्लाह की फजल से यही चीज़ जो है सेंट्रलाइज करके हमने डीजी हेल्थ के थ्रू इसको सेंट्रलाइज कर दिया जो कि आज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बहुत बड़ी एक लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, वहाँ पे हो रहे हैं और हर बेसिक हेल्थ यूनिट और THQ BHU में पहुंच चुकी है. डॉक्टर फौजिया अब ये कंट्रोल में आ रहा है या अभी भी उसी तरह ये इसके केसेस बढ़ रहे हैं? मुनीबा देखें हमारे एक विजन है कि 2030 तक इसको इरेडिकेट कर दिया जाए. अब उसमें एक कोशिश हो सकती है. उसमें कोशिश किया है कि जो ऐसे वायरसेस हैं जिससे ऐसे हेपेटाइटिस जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं और उसके बाद उसकी डायग्नोसिस करें, अर्ली डायग्नोसिस करें और ट्रीटमेंट करें. और ये बहुत बड़ा कदम है हुकूमत पाकिस्तान का. आई सल्यूट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आप देखिए मैं बाहर भी रही हूँ वहाँ पे ये सहूलतें नहीं हैं फ्री. वहाँ पे आपको देखें या आपकी इंश्योरेंस होगी तो आप कवर होंगे, अगर आपने अपनी जेब से देना है तो लोग कहते हैं हम क्यों जाएं. पाकिस्तान को की अच्छी चीज़ें ज़रूर मंजरेआम पे आनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए. हाँ जी. और मैं आपको ये बताऊं कि देखें पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जिना हॉस्पिटल से करना, आप किसी से पूछ लें कि कितनी महंगी किट आती है. यहाँ पे एक आम CBC का टेस्ट जो होता है अक्सर रुक जाता है कि जी किट नहीं आई. हेपेटाइटिस बी सी HIV स्वाइन फ्लू कोविड ये सारे टेस्ट मैंने यहाँ पे शुरू किया, अल्लाह की फजल से मेरे हाथ में पहली दफ़ा शुरू हुआ और देखें इसमें कभी ब्रेक नहीं आई. ठीक. क्योंकि नियत थी कि एक आवाम के लिए काम करना है और जिस सिस्टम ने करना हाँ. था वो कैसे अल्लाह ने बनाया ये वो सारी आपकी जो रात है वो हमवार होती है. तो मुझे बताइए कि अगर ये हेपेटाइटिस सी हो रहा है खासतौर पर ये कहा जाता है कि ये जानलेवा साबित हो जाता है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है? देखें इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया ना अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो जाता है कुछ ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं कि क्योर हो जाता है. अच्छा. हाँ हमेशा के लिए खत्म, यानी आप अगर उसको कहेंगे हमेशा के लिए खत्म हो जाए वो नहीं होता. अच्छा, ये वायरस कई दफा डोरमेंट हो जाता है किसी में, कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता दोबारा, बीमारी दोबारा नजर नहीं आती. ठीक है. अच्छा. लेकिन किस में खत्म हुआ किस में खत्म नहीं हुआ ये हम सवाए डायग्नोस्टिक टेस्ट के हम नहीं कर सकते. लेकिन जिन में डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ, बीमारी की तशखीस टाइम पे नहीं हुई और वो बढ़ती गई, उसमें खदशा है कि उन लोगों में कैंसर भी हो जाता है जिसको हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, उसमें जिगर सिकुड़ जाता है और पेशेंट की मौत वाकई हो जाती है. कई लोगों में फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. तो क्योंकि ये वायरस वो RNA वायरस है और ये अपनी ये चेंज करता है इसलिए इसकी वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, उसकी 3 डोजेज हैं, उसकी बहुत अच्छी क्योर हो सकती है, मतलब आप प्रिवेंशन कर सकते हैं. अच्छा. तो अब हेपेटाइटिस ए और ई को देखा जाए तो वो फूड रिलेटेड है, बी सी एंड डी ज़्यादा ये कंटेमिनेटेड ब्लड से होता है, सिरिंजी से होता है. तो अब इसमें दर्जा डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करें तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस पे जरूर हमें अमल करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए. दूसरा मुझे डॉक्टर फौजी ये बताएं कि बताया जाता है कि इसमें जो हमारे सेल्स हैं वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट के थ्रू दोबारा से उन्हें एक्टिव किया जा सकता है? मीनिंग कौन से ये हेपेटाइटिस सी में वो मैं आपको बता रही हूँ. अगर देखें इम्यून सिस्टम अच्छा है इंसान का, दिफाई निज़ाम अच्छा है, आप अपनी ख्याल करते हैं अपनी खुराक का, अपनी एहतियात करते हैं कि आप कंटेमिनेटेड सिरिंजेस
ड्रग्स लेते हुए, इंजेक्शन लगवाते हुए कि आपकी सही सिरिंज ठीक हो, आप कंटेमिनेटेड ब्लड वाली यूज सिरिंज ना इस्तेमाल कीजिए। बार्बर की शॉप पर भी जाते हैं ये, जहाँ पे भी ब्लड लॉन्स बार्बर की शॉप exactly, लोग कराते हैं मैनीक्योर पेडीक्योर कराते हैं, वहाँ पे एक ही किट यूज होती है, वहाँ उसको प्रॉपरली वॉश करके उसको स्टरलाइज करें और हर एक बंदे के ऊपर, हर आपका जो कस्टमर आता है उसके ऊपर सही तरीके से स्टरलाइज यूज किया जाए, कहीं से भी कंटेमिनेटेड ब्लड आपकी ब्रोकन स्किन में एंटर ना हो, आपके खून में दाखिल ना हो, क्योंकि वायरस अगर एक दफा एंटर हो जाते हैं आपको नहीं पता आपका जो दिफाई निज़ाम है वो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, हमेशा के लिए उस वायरस को निकाल दें, वेरी गुड, आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जो हमारी अपनी पॉपुलेशन में मैंने कुछ नॉवल जीन्स डिस्कवर किए, उनका ये था कि वो इतनी तेज़ी से एक्सप्रेस करते हैं कि पता भी नहीं चलता है, विद इन 2-3 ईयर्स वो जिगर सुकड़ जाता है, कैंसर हो जाता है और मौत वाकई हो जाती है, इंसान को पता भी नहीं चल रहा होता उस सिचुएशन का। और इसको साइलेंट किलर के नाम से बिल्कुल कहा जाता है और इसको कहा भी जा सकता है। डॉक्टर फौजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसके हवाले से जनाब अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए ताकि एहतियात बरती जाए और इस बीमारी से भी छुटकारा हासिल किया जा सके। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कि नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की आलमी दुनिया में अपना लोहा मनवाने के हवाले से। जनाब पाकिस्तान और पाकिस्तान के बासी जब भी कुछ करने का ठान लेते हैं ना, तो फिर वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी मेहनत और लगन से कामयाबियां समेटते ही चले जाते हैं। तो नाजरीन मैं बात स्टार्ट करूंगी मई 2021 में अमेजोन ने पाकिस्तान को फरोख्त कुनंदा लिस्ट में शामिल किया, जिसका मतलब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट में पाकिस्तान के ताजरों को अपनी चीजें बेचने की इजाजत मिली है और देखते ही देखते पाकिस्तानी ताजर इस मार्केट में छा गए। और हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका चीन के बाद तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, जिससे 12 लाख ताजर अमेजोन पर पिछले एक साल के अरसे में रजिस्टर्ड हुए। और इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ एक साल के कम अरसे में इतनी अच्छी पोजीशन हासिल करने में भी हम लोग खासतौर पर पाकिस्तान कामयाब हो गया। और रिपोर्ट पेश करने वाले इदारे मार्केट प्लेस प्लस के मुताबिक अमेजोन के जरिए जो मसनूआत की फरोख्त और बरामदात से पाकिस्तान 28 अरब डॉलर सालाना कमा सकेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मईशियत है उसको इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने का इम्कान है। लेकिन उसके साथ ही साथ देखा जाए तो पाकिस्तान में मौजूदा दौरे हुकूमत में लगाए जाने वाले टैक्सेस की भरमार से इस खास तौर पर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो अफराद हैं ना, उनमें एक तशवीश पैदा हो चुकी है कि इतने ज्यादा टैक्सेस के बाद उनका क्या बनेगा, क्या पाकिस्तान को इस इंडस्ट्री के जरिए मुल्की मईशत को मजबूत करके अपने पांव पर खड़े नहीं होना चाहिए, क्यों हमारे मुल्क में ताजरों के लिए आसानियां नहीं पैदा की जाती हैं, कैसे हम इस एक इंडस्ट्री से मुल्की मईशत को ना सिर्फ मजबूत कर सकते हैं बल्कि इस इंडस्ट्री में मौजूद ताजरों को आसानियां मुहैया करके मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर भी गामजन कर सकते हैं। इस तमाम तर पोजीशन के बारे में आज हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ सना खान मौजूद हैं जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। सना आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना सबसे पहले तो मुझे बताइए अपने बारे में, आप कब से ई कॉमर्स में आई और क्या नया आइडिया था आपका जो पिच कर गया और अब आपसे हम लोग गाइडेंस लेने वाले हैं? राइट, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। ई कॉमर्स का जर्नी जो है वो तकरीबन कोई 2 साल पहले से शुरू हुआ, एंड ऑफ कोर्स सेल्फ रिसर्च और सेल्फ स्टडी से ही शुरू होता है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लिए हमारे पास बहुत बड़े, दुनिया में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसमें मेंटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इवन, और वो बात कर रहे होते हैं आपस में। सो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड देन माय हस्बैंड एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन ई कॉमर्स बिजनेस, बट देन वी थॉट के द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू वाइल स्टार्टिंग द इन्वेस्टमेंट इन द ई कॉमर्स इज टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। ऑब्वियसली सेल्फ डन इज वेल डन, सो वी बोथ स्टार्टेड लर्निंग, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में सीखा कि कौन से होते हैं, कैसे काम करता है।
एंड आई थिंक आपने जो क्वेश्चन किया ना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसमें सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग जो मेरी थी, और एज अ ट्रेनर भी मैं लोगों को भी ये पहुँचाना चाहती हूँ बात, कि ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी का तड़का है ई कॉमर्स में, ऑफकोर्स बिकॉज देर आर टूल्स, देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं आपको प्रोजेक्शन देने में, फोरकास्ट देने में, लेकिन जो की फैक्टर्स हैं, रोल प्लेइंग फैक्टर्स हैं, गेम चेंजर्स हैं, वो दोनों में सेम है. अच्छा. ऑब्वियसली क्योंकि कॉमर्स है ना, तो बिजनेस में, कॉमर्स में व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज प्रॉफिटेबिलिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, द प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट, द डिमांड, द सीजनैलिटी. तो जाहिर सी बात है कि जो की फैक्टर्स हैं दोनों में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो सेम है. ठीक है. तो वी स्टार्टेड विद दैट एंड देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, और फिर ऑब्वियसली जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है तो ज़्यादा आपको पता भी चलता है कि अच्छा कैसे काम कर रहा है मॉडल, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नो गो एरियाज हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा कर सकते हैं अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. लेकिन मुझे बताइए कि अमेज़ॉन के हवाले से कहा जाता था पहले, अमेज़ॉन नहीं है पाकिस्तान में, हमें बाहर से अकाउंट बनाए जाते थे और फिर मार्केट में जाया जाता था, अब पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ चुका है. इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर पाए हैं? और दूसरा, आपने भी एक खबर सुनी होगी कि 5,000 के करीब जो है अकाउंट्स भी अमेज़ॉन पे ब्लॉक कर दिए गए हैं पाकिस्तानियों के. बिल्कुल. तो इस तरह की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब हमें मिल रही होती है तो हम उसका गलत फ़ायदा क्यों उठा लेते हैं? बिल्कुल. अच्छा, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है एंड आई रियली वांट के जो लोग इस शो को सुन रहे हैं या जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि बिजनेस एथिक्स जो आपकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या आपकी फिजिकल जॉब्स में अप्लाई हो रहे हैं या इवन स्टार्टअप इकोसिस्टम में अप्लाई हो रहे हैं, सिमिलरली आपने वही बिजनेस एथिक्स को प्रैक्टिस करना है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में. अमेज़ॉन ने पहले भी पाकिस्तान को अप्रूव किया था, लेकिन इन्हीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम बैन हो गए. उसके बाद मई 2021 में अमेज़ॉन ने फिर मेहरबानी की, पाकिस्तान पे अपने दरवाजे खोले, सेलर्स को इजाज़त दी कि जी आप पाकिस्तान से सेलर अकाउंट बना सकते हैं. जो बैन करने वाली बात है, जो ये पूरा सिनेरियो है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कहाँ लिखा हुआ है किसी टर्म एंड कंडीशन में कि जी ऐसा नहीं करना. अच्छा. मेरा उनको ये मशवरा है कि बहुत सारी चीज़ें शायद कॉन्ट्रैक्चुअल ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखी होती, बट दोज आर अंडरस्टूड. एंड आई थिंक एज समबडी हु इज़ अ की प्लेयर इन ट्रेनिंग पोजिशन, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी सेल्फ डिवेलपमेंट और वैल्यू इनकल्केशन के ऊपर सबसे पहले खुद आपको काम करना चाहिए. ठीक है. ऑब्वियसली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह से अकाउंट्स जिस तेजी से ब्लॉक होने की खबरें हम सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स जो इंडस्ट्री के, कि हो सकता है अमेज़ॉन दोबारा से आपको बैन कर दे. अच्छा. तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, जैसे अभी आपने बताया कि हम इतने बिलियन का रेवेन्यू एनुअली वी आर लुकिंग एट, तो उसका दरवाजा हम खुद बंद करने की तरफ जा रहे हैं, विच इज वेरी अलार्मिंग ऑफ कोर्स. लेकिन जो टैक्सेस हैं जो आईटी की उसके ऊपर भी लग गए हैं, ई कॉमर्स पर भी लगा दिए गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपको लगता है कि शायद इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा जो बूस्ट मिल रहा था, बहुत ज्यादा एकदम ये ग्रोथ किया है इस इंडस्ट्री ने पिछले 3 से 4 सालों में, खासतौर पर कोरोना में अगर बात की जाए तो उसमें ज्यादा. हाँ, किया है. तो ये नीचे आ जाएगी दोबारा से. अच्छा, ये जो आपने आखिरी, मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करके बैकवर्ड जाऊंगी, आपने बात की कि कोरोना के टाइम में ऑब्वियसली बहुत फ्लरिश की है ये इंडस्ट्री फ्रीलांसिंग एंड इन पर्टिकुलर ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग. तो ऑब्वियसली उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान एकदम फोर्थ नंबर पे आ गया था फ्रीलांसिंग की रैंकिंग में, और जाहिर बात है उससे हमारे रेवेन्यू भी ज़्यादा हुआ, एनुअल रेवेन्यू कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो. मेरा ये ख्याल है कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि टैक्सेस को, एक तो पहले टैक्सेस का सिस्टम अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जी हम 30% टैक्स लगाएंगे फ्रीलांसर्स के ऊपर या ऐसे लोग जो ई कॉमर्स से बाहर से पैसा ला रहे हैं, उनके अकाउंट्स को हम ट्रैक करेंगे, FBI विल कीप एन आई, तो बहुत ज़्यादा शोर मचा था इस बात पे कि जी हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा. हाँ. क्योंकि फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हमसे फी ले रहे हैं, जो बाहर के बैंक्स हैं, वाइज हैं या और 10 तरह की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी अपना कट उसमें रख रही हैं 10%, 20%, और हमारे पास तो पहले ही अगर $100 कमा रहे थे तो शायद 50 आ रहा है, तो उस पर से भी 30%. लेकिन अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि वो आपकी टोटल जो इनकम है उसके ऊपर वो 30% नहीं लग रहा. अच्छा. मेरा ये मशवरा होगा कि अगर टैक्स की ये रेशो या ब्रैकेट्स या ब्रेकडाउन अगर समझ में नहीं आ रहा तो किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाके उसको बैठ के एग्जाम्पल के तौर पे उसे बता के समझ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है जो पूरे सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है. और ये डिस्कशंस हमारे ग्रुप्स में भी हुई हैं और एक्सपर्ट्स वहाँ पे उनको गाइड भी करते हैं. अच्छा. क्वेश्चन ये है कि अगर आप
एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, ठीक है, आप टैक्स पेयर हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम जनरल प्रमोशन तब करेंगे ना टैक्स की जब टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं. फ्रीलांसर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा बन चुके हैं. तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स टू कम फॉरवर्ड कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ट्रेडिशनल कॉमर्स इंडस्ट्री को ऑफर करते हैं वो ई कॉमर्स को भी ऑफर करें, ताकि उनके लिए भी इजी हो, इजी टू अचीव हो. अच्छा मुझे बताइए खवातीन के हवाले से, क्योंकि आज हमारे पास ई कॉमर्स की जो एक खातून आई है उनसे हम जानना चाहेंगे खवातीन के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं खासतौर पर ई कॉमर्स में या फ्री लांसिंग में. अगेन ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है. मैं ये कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल कमी नहीं है. कमी किस बंदे की है, जब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है एंड आई वांट टू आउटसोर्स टू यू नो हेल्प समबडी आउट एंड गेट माय वर्क डन एज वेल एंड पे द अदर पर्सन, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड टू फाइंड अ प्रोफेशनल हु थॉरली नोज वट ही और शी इज डूइंग. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी हु हैज अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. अभी मैं सिर्फ ऐसे बंदे की बात कर रही हूँ जो नॉलेजेबल है या जो स्किलफुल है. तो आई वुड अर्ज नॉट ओनली वुमेन, स्पेशली वुमेन बट नॉट ओनली लिमिटेड टू वुमेन, आई वुड अर्ज एवरीबडी हु इज कमिंग टू द ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अपने नॉलेज के ऊपर काम करें. अच्छा. अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, बिजनेस एथिक्स के ऊपर, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, ताकि मेरे जैसे लोग या मेरे जैसे और इन्वेस्टर्स या काम आउटसोर्स करने वाले लोग, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जब आपके पास आए, जैसे हमारी कोलैबोरेटिव स्पेसेस में लोग आते हैं इन्वेस्टर्स. अच्छा. और हमें कहते हैं जी बताएं आपके कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं. तो जाहिर सी बात है कि यू विल हैव टू टेस्ट योर मेटल योरसेल्फ और आपको अपने आप को मनवाना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड फॉर दैट. बहुत सारी खवातीन जो हाउसवाइव्स हैं या होम मेकर्स हैं, वो घरों में रह रही हैं या स्टे एट होम मॉम्स हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि जी हमें आउट ऑफ टच हुए हुए 5-10 साल हो गए हैं, तो हम कैसे इसको रिज्यूम कर सकते हैं. तो उनके लिए मेरा हमेशा मशवरा ये होता है कि यू शुड टेक बेबी स्टेप्स, स्टार्ट स्मॉल, बी टेक सेवी जस्ट लाइक अ लिटिल बिट, नॉट अ लॉट कि जी माइक्रोसॉफ्ट में आपने जॉब करनी है या क्या, लेकिन ये कि आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए. अच्छा. और लर्न करने से कभी डरना नहीं चाहिए. मैंने हमेशा ये देखा है कि लर्निंग अगर फ्री भी मिल रही है किसी को, कोई फ्री कोर्स यूट्यूब भरा पड़ा है, आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है यूट्यूब, और वहाँ पे नो डाउट पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिसोर्सेज आ रहे हैं एंड दे आर टीचिंग पीपल फॉर फ्री. तो लेकिन उसके बावजूद लर्निंग का एक बैरियर होता है कि जी हम क्या सीखेंगे या हम सीख के क्या करेंगे. तो ये लर्निंग से डरना कभी भी नहीं चाहिए. ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो या मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, आप दुनिया की कोई भी फील्ड उठा लें, जब तक आप अपने दिमाग से लर्निंग बैरियर्स नहीं निकालते, आप मजीद लर्निंग हाउ टू लर्न के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, आप कभी किसी इंडस्ट्री में फ्लरिश नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं कर सकते. लेकिन मैं सना आपसे ये पूछूंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी खासतौर पर फ्रीलांसिंग में या फिर ई कॉमर्स में ऐसी फील्ड है जिनमें हम एक्सेल कर सकते हैं, अगर आप उन लोग उन्हें लिस्ट कर दें 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो हमें हमारे देखने वाले हैं वो चाहे खातीन हो या फिर मर्द हो वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं. अच्छा देखिए मुनीबा, उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं. अच्छा. दो चीज़ें ये हैं कि या तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद इन्वेस्टर हो सकते हैं. और इन्वेस्टर में मैं ये बात नहीं करी कि आप बहुत बड़ी रकम के साथ आ रहे हैं, लाइक कोई 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस के साथ आ रहे हैं. यू अगेन यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड देन यू कैन स्केल इट वेरी स्ट्रेटेजिकली, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आजकल मैं सुन रही हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि ग्रुप्स और फॉलोइंग्स और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, सो ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा. और मैं हमेशा, लोग इस चीज़ से पैरानॉइड होते हैं कि जी इंडस्ट्री तो बहुत सैचुरेट हो चुकी है, सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत नहीं है, हर 3 महीने बाद वीएस के 100-150 बच्चों के बैच निकले, तो हमारी जगह कहाँ पे है, हमें तो काम नहीं मिल रहा. देखें, काम उस बंदे को मिलता है जो अपना लोहा मनवाता है. जैसे मैंने कहा कि यू शुड टेस्ट योर मेटल, यू शुड प्रूव योर सेल्फ कि जी मेरे पास नॉलेज है, इवन इफ आई डोंट हैव दी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस राइट नाउ बिकॉज आई डिडंट गेट अ चांस. वो जॉब वाला विशेष साइकिल है कि जी आई डोंट हैव अ जॉब बिकॉज आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब. सो द सेम डायनामिक्स आर वर्किंग इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री. सो अगर आपको काम लेना है तो आपको सबसे पहले नॉलेज के ऊपर काम करना चाहिए, विदाउट बीइंग शॉर्ट साइटेड कि जी मैं कमाना कब शुरू करूंगा, ये बहुत जल्दी है. लेकिन अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि कमाना, पैसे, मोनेटाइजेशन, ये बाय प्रोडक्ट हैं आपके नॉलेज का, दे आर बाउंड टू कम. ठीक. व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज टू लर्न, टू टेस्ट योर नॉलेज, टू पुट इट इन प्रैक्टिस, टू शो द अदर पर्सन दैट यू नो.
अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसको हम आम जुबान में वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, इफ़ यू आर कमिंग अप विद एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ मनी एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, अगेन मेरा मशवरा ये होगा कि आप बेसिक्स ज़रूर सीखें, ताकि आपको पता हो कि बिज़नेस स्ट्रेटेजाइज कैसे हो रहा है, आपका बिज़नेस एक्यूमन भी आपको पता चलेगा कि आप किस मॉडल के पास जाना चाहते हैं, आप होलसेल करना चाहते हैं, आप प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं। अभी हम जैसे एक और चीज को लॉन्च करें, ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर बहुत बात हो रही है आजकल, अच्छा। जो कि इन दोनों मॉडल से कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है उसने बहुत रिसर्च भी की, उसने टेस्ट रन्स भी किए, और अब हम इसको रोल आउट भी कर रहे हैं पब्लिकली, इसके ऊपर ट्रेनिंग्स वगैरह भी हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इन सारे मॉडल्स को आप देखें, पढ़ें, समझें, स्टडी करें कि कौन सा चल रही है, कौन से मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। मनीवा, बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव एंड हाउ मच टाइम कैन यू वेट फॉर, बिकॉज ऑब्वियसली चीजें मैच्योर होने में तीनों मॉडल्स में ना फर्क टाइम है। लाइक आर्बिट्राज में अगर आपको दूसरे महीने में रिजल्ट आ जाएगा, मैं बिल्कुल बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ, ये कोई हदीस नहीं है, केस टू केस वेरी करता है, लेकिन होलसेल में आपको कम अज कम 3 to 4 months का टाइम लगता है चीजें मैच्योर होने में। ऑन दी अदर हैंड PL जो है वो एक लंबी स्टोरी है, उसमें आपको साल से लेकर 1.5 साल तक लग सकता है, उसमें आपकी ब्लीडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपको कम अज कम $20,000 to $25,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। होलसेल में अगर आप आ जाते हैं तो आप कम अज कम 5 to 7, 8, 10 हज़ार के बीच में डॉलर्स की बात करिए प्ले कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज में आ जाएं तो आप 1,000 to $2,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना टाइम जो है आपके पास बैकअप है, कितना टाइम है, कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा इतने महीने या इतने साल लग जाएं रेवेन्यू जनरेशन में या प्रॉफिट जनरेशन में, तो आई डोंट माइंड। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। तो सर्विसेज में मुझे बताइए, सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? अगेन सर्विसेज में यू हैव टू लर्न लाइक अ 360 डिग्री ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास क्लाइंट, अगर आपने होलसेल सीखा है और आपके पास प्राइवेट लेबल के क्लाइंट मार्केट में बहुत ज्यादा है, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, प्राइवेट लेबल के क्लाइंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, अच्छा। और पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी ज्यादा है, इफ यू आर टैपिंग द राइट प्लेटफॉर्म व्हिच इज वेरी बिग इफ। तो अगर आप होलसेल, जैसे बहुत लोग मेरी तरह होलसेल पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि ये अच्छा मॉडल है, ये आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जनरल ओवरव्यू ये है, अदरवाइज दिमाग आपको हर चीज में लगाना पड़ता है। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि जो शॉर्ट साइटेड लोग हैं ना, बिजनेस मेरा ख्याल है उनके लिए है ही नहीं, अच्छा, चाहे वो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, आपने यहाँ पे कोई सुपर स्टोर डालना है या आपने अमेजोन पे सुपर स्टोर खोलना है, आपके लिए नहीं है। अगर आपको दिमाग लगाने में मुश्किल होती है, अगर आप सोचना नहीं चाहते, अगर आप सेट पैटर्न ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे चलना चाहते हैं, तो देन जॉब इज गुड फॉर यू। आई मीन ऑब्वियसली 10,000 चीजें यहाँ पे जो जॉब्स लेना सिखा रही हैं, जॉब्स को रिटेन करना सिखा रही हैं, कंपनीज हैं जो जॉब्स देना चाहती हैं और एम्प्लॉयज हायर करना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जॉब्स आर ऑल्सो देयर इन द मार्केट। लेकिन क्योंकि हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रह रहे हैं एंड वी डोंट नो व्हाट अदर काइंड ऑफ बायो वेपन इज अपॉन अस, गॉड फॉरबिड, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योटिक हैं, बहुत अनसर्टेन है। इस सिचुएशन में अगेन सबसे अच्छी बात वही है कि सेल्फ लर्न इज वेल डन, तो यू शुड इक्विप योर सेल्व्स विद द राइट स्किल्स। और राइट स्किल्स आजकल कौन सी हैं? टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मुझे बेसलाइन नॉलेज हर चीज़ का आना चाहिए, चाहे मैं उसको अभी यूज़ नहीं करी। जैसे हम स्टीव जॉब्स की एग्जांपल लेते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो हमारे लिए एग्जांपल सेट करके जा चुके हैं कि जी हाउ डू यू कनेक्ट द डॉट्स, यू लर्न एवरीथिंग दैट कम्स योर वे एंड इवन इफ डजंट कम योर वे। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि आई एम ग्रेजुएटेड इन बायोडाइवर्सिटी, मेरा फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। आई हैव एन एमफिल इन बायोडाइवर्सिटी, आई हैव 2 theses ऑन माय क्रेडिट, आई हैव 4 scientific papers ऑन माय क्रेडिट, बट दैट्स नाउ, दैट्स ऑल बिहाइंड मी, आई ऑप्टेड फॉर अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसके बाद मैंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से TESOL किया, आई केम इन टू ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स, एकेडेमिया में रही, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, अभी भी कॉर्पोरेट में सारी ट्रेनिंग्स और वो सब कर रही हूँ, और उसके बाद अमेजोन भी मैंने स्टार्ट कर दिया, और वो भी मैंने स्क्रैच से सीखा। और इसमें हमेशा मैं अपने हस्बैंड को क्रेडिट देती हूँ कि वो हमेशा सिर्फ कोई स्किल पकड़ के मुझे ये कह देते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम कर लोगी, एंड देन आई हैव टू डू इट बिकॉज आई हैव टू प्रूव इट टू हिम दैट आई कैन डू इट। सो वो मैंने कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें भी सीखी, टेक रिलेटेड भी सीखी। तो ये मोटिवेशन अगर आपकी जिंदगी में है तो यू आर वेरी लकी, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। आई वॉज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि मेरे पास मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा पुश करने वाले थे कि नहीं नहीं तुम कर लोगी।
वो इतने यकीन से कहते हैं कि फिर आपको करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। ये सपोर्ट तो आपकी जिंदगी में लाजमी होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो खुद ढूंढ लें या फिर अपने आप को वो सपोर्ट अपने लिए ही बना लें। हमारे साथ सना खान ई कॉमर्स एक्सपर्ट मौजूद थी। सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ी अच्छी टिप्स आप हमें दे के जा रही है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि जनाब अब जो जो चीजें हमने आपको बताई है खासतौर पर ई कॉमर्स के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, उस पर आप अपना काम जो है वो शुरू कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। तो अहमद हमाद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें देखते हैं कि कौन सी किताब का तारुफ करवाने वाले हैं हमारे साथ। चलिए फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। जी शुक्रिया मुनीबा, आज जो मेरे पास किताब है वो बड़ी दिलचस्प है, यरगमाल रियासत हाइब्रिड वॉर ऊपर है और नीचे है करप्शन क्लास रद्द तश्कील, जिसकी अंग्रेजी होती है डी कंस्ट्रक्शन, और ऑफशोर बयानियाँ। ये बहुत दिलचस्प मौजू है। इस पे कलम किसने उठाया? प्रोफेसर तुफैल ढाना ने। प्रोफेसर साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि आप साइंस के आदमी हैं, आपने बायोलॉजी को बड़ी तफसील से पढ़ा है, और जितनी अपनी तालीम हासिल की उन्होंने उसके बाद उस तालीम से अख्ज़ किया एक तख्लीकी आइडिया और क्लोन के नाम से एक नावल लिख दिया। वो नावल बड़ा खूबसूरत है और बहुत दिलचस्प है, मुस्तकबिल का इंसान उसका सब टाइटल था। तो हम तो फैल ढाना साहब को तब से जानते हैं जब से, जब ये क्लोन आया था, कुछ तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने ढाना साहब से कहा कि सर आप साइंस के की दुनिया में इतना आप आगे निकल गए हैं कि अदब को कहीं पीछे ना रह जाए, तो ऐसा करते हैं कि हम आज मॉडल टाउन लाइब्रेरी में चलते हैं, वहाँ पे लीफ वालों का हफ्तावार वो लेक्चर होता था, तो वहाँ पे डीएनए के बारे में हम कुछ सुनेंगे। आज लेक्चर था डीएनए के हवाले से। अब आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बहुत जदीद, हर इंसान जानता है, और फिर एक उस पर फिर हम कुछ अदबी लिहाज से बातचीत करेंगे। तो तुफैल साहब शरीफ आदमी हैं और बड़े आजीज़ और मुनकसुल मिजाज आदमी हैं, मेरे साथ चल दिए, और जाके जब हमने लेक्चर सारा सुना तो मैं तो बड़ा मुतासर हुआ। उस वक्त मैं बिल्कुल लड़का सा था और मेरे लिए तो ऐसे जैसे कि इल्म का एक समंदर था जो सामने मार रहा था जो साहब लेक्चर दे रहे थे उस मौजू पर। लेकिन तुफैल साहब से जब मैंने पूछा एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि सर आपको कैसा लगा, तो कहते हैं कि यार ये अपनी चीज़ें बेच रहा था ये बंदा, ये कह रहा था कि मेरे क्लिनिक पर आओ, मैं सारा जो होता है कर दूंगा फ्रांसिक, उसका मैं डीएनए फ्रांसिक वो कर दूंगा। तो मेरी समझ में आया, मैंने कहा हाँ ये बात होती है कि एक बड़ा आदमी जब आपके साथ होता है, पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ होता है, तो आपका पर्सपेक्टिव मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देता है। ये जो पर्सपेक्टिव है इनका, ये इनका बड़ा दिलचस्प पर्सपेक्टिव है। बंदा अप्लाइड साइंसिस का है, नेचुरल साइंसिस का है, और सोशल साइंसिस पर लिखता है, और क्या खूब लिखता है उनका। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ये बेसिकली मार्क्सिस्ट हैं, लेफ्ट के आदमी हैं, और जो चीज़ भी जिस पर भी नज़र डालते हैं वो एक ज़ाहिर जो मार्क्सिस्ट और स्पेक्टेकल है उसके बगैर ये किसी चीज़ को देखते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बल्कि उर्दू में कहना चाहिए, अली अब्बास जलालपुरी और सिप्त हसन, उनकी एक रिवायत चलती आ रही है कि वो तमाम जो नैरेटिव है उसको एक ख़ास स्पेक्टेकल से देखते हैं और अपने कारी के सामने रखते हैं। अब ढाना साहब ने भी ऐसे ही किया इस किताब में, उन्होंने बिल्कुल आगाज़ से वो जो बल्कि इब्तदाए आफरीनिश कहना चाहिए वहाँ से शुरू किया और एक साइंटिफिक नज़रिया लेके चले, और सोशियोलॉजी के जो साइंटिफिक नज़रियात हैं कि जैसे इंसानी मुआशरा कैसे आगे बढ़ता है, बुनियादी तौर पे एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसके बाद कैसे पॉजिटिव सोसाइटी तक आई, उसका एक अहाता करते हैं इस किताब में। उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं, जो फेसलेस फाइनेंशियल फोर्सेज हैं वो ये कहते हैं, यानी आजकल जो जदीद बयानिया है हमारे लेफ्ट के कुछ मुफक्किरीन का, वो ये है कि इस वक्त रियासतों की कोई अहमियत नहीं रहेगी, बल्कि रियासत को वो पैसा चलाता है जिसका फेस कोई नहीं है, जिसका चेहरा कोई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बल्कि कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो पूरी दुनिया के सरमाए को भी आगे लेके जा रही हैं, पूरी दुनिया के कल्चर पे भी वो काबिज़ हैं, दुनिया में जंगें लगवाते हैं और अमन भी वही लेके आते हैं, मीडिया को भी वही कंट्रोल करते हैं, दवाइयां भी वही बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और ये सारे आप जानते हैं। जो नॉम चॉम्स्की को जानते हैं वो, उसका भी यही बिल्कुल नैरेटिव है। तो ढाना साहब ने भी बिल्कुल उसी लाइन को लिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी क्लास है, कहते हैं ना अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उन्होंने कहा नहीं, एक क्लास है करप्शन क्लास जो सब पे राज करती है। इसके अलावा उन्होंने जो डीकंस्ट्रक्शन की बात की, उन्होंने कहा कि जो पुराना नैरेटिव था कि मुआशरे ऐसे होते हैं, कोई हमें मेटा नैरेटिव चाहिए होता है, यानी महाबयानियाँ चाहिए होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, कोई यूनिवर्सल्स चाहिए होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस वक्त वो जो यूनिवर्सल थे पुराने वो ख़त्म हो गए, नए यूनिवर्सल्स ने जन्म लिया है, और वो यूनिवर्सल है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का स्टाइल,
करप्शन है, बयानिया पुराना रद्द हो गया, दुनिया में करप्शन है, और कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में एक अहम तरीन चीज़ है ऑफशोर बयानिया, यानी वो तमाम कॉन्ग्लोमरेट्स जिनको अपने मुआशरों में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई और वहां से उन्होंने फाइनेंस किया अपने अपने मुल्कों में वो चेंज लाने के लिए, किसी तरह का भी इनकलाब और तब्दीली लाने के लिए उनने इस तरह किया। मिसाल के तौर पे इन्होंने जो जो इनके मौजूआत हैं, करप्शन क्लास जो, जैसे कि मैंने अर्ज किया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने के से ताल्लुक रखता है, गैर रिवायती जंग जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है या हाइब्रिड वॉर भी इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। जाहिर है वो कहते हैं ना कि जब जंग छिड़ती है तो सबसे पहली मौत सच की होती है, तो आजकल तो सच की मौत जो है वो गोली के साथ नहीं होती बल्कि वो कलम और कैमरे के साथ होती। तो ब्रेग्जिट पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, छोटे छोटे फिक्रे बनाते हैं, छोटे छोटे फिक्रों की मदद से ये बात करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी हालात जिस नज़र से इन्होंने देखा, ये मार्क्सिस्ट हैं, जिस नज़र से ये पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, और जो इनका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, मिसाक जमहूरियत ऑफशोर था, आलमी रियासत का बयानिया था, इजारादारी पर कायम था, जमहूरियत मुखालिफ था, 2008 के इलेक्शन का नतीजा आ गया था, आसिफ जरदारी सदर था, सिंध का मालिक था, पंजाब शरीफ ख़ानदान को मिल गया था, कराची एमक्यूएम के हिस्से में आया था, पख्तूनख्वा में लाल टोपी वाला, चादर वाला, पगड़ी वाला था, ऑफशोर खिचड़ी खा रहा था, बलूचिस्तान में सरदार थे, चादर वाला अचकजई ऑफशोर इनकलाबी था। तो इनका एक अपना बयानिया है, आप इससे इस राय से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ़ करते हैं ये टोटली आप पे और हम पे है, जाहिर है, लेकिन इनकी ये किताब इंतहाई दिलचस्प है, आपके तसव्वुर के या आपके आइडियाज़ के ठहरे हुए पानी में ये कंकर ज़रूर फेंकेगी और उसमें इरताश पैदा करेगी। ठीक है जी जनाब, हमारे साथ अहमद हमाद साहब मौजूद थे, शायर है, मुसन्निफ है, और आज की किताब का तारुफ उन्होंने हमारे साथ करवाया। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा जिसमें हम बात करते हैं शहर लाहौर के बासियों के और उन मसाइल की जिनको जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत होती है, और गरीब आदमी के लिए एक वक्त की रोटी कमाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए महंगाई के तूफान की, तो जनाब हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई नया बम जो है इस मुल्क की गरीब आवाम पर फेंक दिया जाता है, और उस सारे मामले को जो पहले वाली हुकूमत होती है, जो दौरे हुकूमत वक्त की हुकूमत होती है, वो पिछली हुकूमत पर वो सारा बोझ डाल देती है, और ये रिवायत हम पहले दिन से ही देखते और सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, और ना ही उस मामले का कोई मुस्तकिल हल निकाल कर गरीब आवाम को किसी भी तरह का रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो एहतजाज हमारा आईनी हक भी है। जिस दिन कोई महंगाई का बम हमारे ऊपर फेंका जाता है, हम उस दिन बजाय इस तूफान का मुकाबला करने के, या फिर अपना जो जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल करने के, हम अपने लिए उसका हल तलाश करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से उस पेट्रोल पंप्स का रुख कर लेते हैं और बाइक या गाड़ी की टंकी फुल करवा लेते हैं कि जनाब सुबह पेट्रोल बढ़ेगा तो एटलीस्ट हमारी जो गाड़ी की टंकी है वो तो फुल हो जाए। अगर बिजली की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो उसमें इजाफा होता है तो हम बिजली का इस्तेमाल कम करने के तरीकों पर गौर करना शुरू कर देते हैं। इस बार बिजली की कीमतों के साथ जो टैक्सेस की भरमार हमारे सर पर फेंकी गई है, इसने गरीब आदमी की चीखें और भी निकलवा दी हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इतने टैक्सेस लगाए गए हैं कि गरीब तो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। इस पर भी इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि साथ ही बिजली के जो बुनियादी टैरिफ हैं उसमें भी 3.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया, और वफाकी काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। इसका मतलब ये है कि अवाम अगली बार इससे भी भारी बिल की अदायगी की तैयारी कर ले, मेंटली तैयार हो जाना चाहिए हमें। तो क्या वजह है कि टैक्सेस की जो भरमार है वो कर दी गई है हम सबके ऊपर, क्यों इतने बिल्स अवाम पर आयद किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फरहान शहजाद साहब, हैं साबिक सदर टैक्स बार एसोसिएशन है, और फहद अमीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फहद आपको भी वेलकम कहती हूँ, फरहान साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले फरहान साहब आप ही से बात कर लेती हूँ, कानूनी निकात के वाले से भी इस पर बात करेंगे कि टैक्सेस की किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, किस तरह कानूनी नुकता है
प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले ये जो इतने टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और आवाम के ऊपर रोज बर रोज एक नया जो है बम गिरा दिया जाता है टैक्स की सूरत में, मुझे बताइए कि कौन कौन से टैक्सेस बढ़ सकते हैं या उनका प्रोसीजर क्या होता है? बहुत शुक्रिया आपका। आज आपके प्रोग्राम से आने से पहले मैंने शायद गुज़िश्ता कई सालों में पहली मर्तबा बिजली के बिल को खुद देखा। अच्छा, इससे पहले बिल आता था और हम पे कर देते थे, लेकिन उसका अंदाज़ा नहीं था कि ऑब्वियसली उसमें टैक्सेस तो मौजूद होते थे बट इस हद तक नहीं होते थे कि जिसमें आवाम को भी परेशानी हो और हमें भी परेशानी हो। दूसरा, इसमें जो टेक्निकली तौर पे जो वापडा, लेस्को और ये इनके तमाम डिस्कस कर रहे हैं, कल 29 तारीख है आखिरी और आज 28 तारीख को बिल सर्व किए जा रहे हैं। कुछ घरों में वो भी नहीं पहुंचाए जाते ताकि उनसे जो लेट पेमेंट फीस हो वो उनसे चार्ज की जा सके। ठीक है। और आज के दिन तक अगर एक आम घर का जिसमें 500 यूनिट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, पहले 300 यूनिट पे उसका 15 रुपया रेट है, उससे ऑनवर्ड पे 20 रुपीज पर यूनिट ये प्राइस पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में है। ये टोटल बिल मिला के तकरीबन आपका 11,000 रुपया प्राइस बनती है जो सिर्फ बिजली की है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इससे ऑनवर्ड आपका टैरिफ सरचार्ज है वो तकरीबन उस पर अमाउंट 2,000 मजीद बन रही है। एक्साइज ड्यूटी उसमें मौजूद है, जनरल सेल्स टैक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कंज्यूमर्स पे चार्ज होना होता है, ये फेडरेशन का लॉ है और ये सेल्स टैक्स की एक मंतक भी है। इससे ऑनवर्ड टीवी फीस, जबकि हर घर में अब केबल चल रही है, मोबाइल चल रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं। आपका जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो तमाम इसमें मौजूद है। उसके अलावा ये तमाम टैक्सेस शामिल करके इस वक्त का बिल ये मेरे हाथ में मौजूद है जो टोटल 21,000 रुपया बनता है। 11,000 रुपया आपकी बिजली की प्राइस जो है हमने कंज्यूम की और 10,000 रुपया आपने इसके ऊपर टैक्सेस देने हैं। अभी जो फ्यूल की आपकी जो बिजली की प्राइस इंक्रीज करती जा रही है डे बाय डे, उस पे तो कोई रोक टोक नहीं है कि वो किस हद तक जानी है, किस गवर्नमेंट ने किस कंपनीज के साथ क्या मुआहदे किए हैं ये हमें कुछ पता नहीं। आज तक हमारे मुल्क के एसेट्स क्या हैं, बैलेंस शीट क्या है, हम कहाँ खड़े हैं ये किसी को कुछ पता नहीं। वही रूटीन, वही एक रोजाना की हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि सबका गवर्नमेंट ये मुआहदे कर गई, वो सबका आए तो वो उससे पिछलों पे डाल गए। लेकिन इस सेल्स टैक्स की मैं आपको थोड़ी सी मंतक बता दूं, इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि इस साल के बजट में रिटेलर्स पे ये टैक्स स्पेसिफिकली चार्ज किया गया था कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स नेट में, उनको नेट में लाने के लिए 30,000 तक आपने 3,000 रुपया टैक्स देना है। अगर आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स में, ATL में नहीं आ रहे, तो वो टैक्स आपसे डबल चार्ज होगा। 30,000 से 50,000 के दरमियान बिल के स्लैब वाले से 5,000 और उससे ऊपर आपने 10,000 रुपया फी कंज्यूमर आपने चार्ज करना है। और अगर यही बिल आपका 50,000 है और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आपने 20,000 रुपया उसका फर्दर टैक्स देना है, यानी उसके साथ 50% आपके टैक्सेस जो हैं वो मजीद ऐड कर दिए गए, इस आवाम पे बोझ पे डाल दिए गए, जो एक आम जो दुकान वाला खोखे वाला जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में किन हालात में आपने देखा है कि काम कर रहा है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये चीज। और दूसरी ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आवाम के लिए जो कि बिल्कुल भी छुपाई जाती है कि ये जो जनरल सेल्स टैक्स है वो घरेलू कंज्यूमर्स पे नहीं चार्ज होता। इस पे बात करते हैं फरहान साहब कि किस तरह नहीं चार्ज होता और फिर भी हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसकी अवेयरनेस भी जाननी चाहिए। फहद, आपसे बात करना चाहूंगी, ये जो टैक्सेस की मद में इतना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है हम सबसे, उतनी हम लोग बिजली कंज्यूम नहीं करते हैं, बिजली की कीमत उतनी है, वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या वजह है, इतने टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब आदमी के बस में नहीं रहा कि वो बिजली का बिल अदा कर सके। जिस तरह भी फरहान साहब ने बताया है कि एक बिल है जो है वो 11,000 रुपए का और उस पर 10,000 रुपया टैक्सेस की मद में है। और आप जुल्म देखें इन टैक्सेस पे कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसके बाद अगला टैक्स आता है FPA VAR, ये क्या है किसी को नहीं पता। उसके बाद है जी FPA ED, ये क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा जी, उसके बाद है FPA GST, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आप ले रहे हैं, GST किस चीज का उस पर ले रहे हैं आप, ठीक है जी।
उसके उससे आगे आ जाता है एफ पी ए आई टैक्स, एफ पी ए ई टैक्स, एफ पी ए एफ टैक्स, एफ पी ए आर टैक्स, ये क्या है। उसके बाद अगर आप दूसरे टैक्सेस की तरफ, ये एफ पी ए पे है, सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे ये टैक्स लग रहे हैं, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7.90 रुपए पिछले माह इस माह जो है वो चार्ज किया गया है, उस पे ये टैक्सेस है। आगे आप देखें जो ये अभी रानफा फ्यूल प्राइस पे ही रहते हैं, जरा हमारे देखने वालों को बताइए ये है क्या और किसका किस चीज का बिल देते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की। बेसिकली होता ये है कि हुकूमत ये आपको क्लेम करती है, वजारत पावर डिवीजन या जो बिजली की जो पैदावारी कंपनी है वो आपको ये क्लेम करते हैं कि जनाब इस दफा हमें बिजली महंगी पड़ी है। अच्छा। हमारी जो है वो जो हाइडल से बिजली है वो इतने परसेंट बनी है, विंड से बिजली इतने परसेंट बनी है, आईपीपी से हमने इतनी ली है और फर्नेस ऑयल से इतनी बनी है, गैस से इतनी इतने परसेंट बिजली बनी है। तो अगर हम इसका एग्रीगेट निकालते हैं तो हम जो आवाम को दे रहे हैं 12 रुपए या 15 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, तो वो हमें पड़ी है 15 रुपए के यूनिट के हिसाब से, यानी कि आवाम को 12 रुपए, तो 3 रुपए जो है वो इजाफी है, वो हम वो लेंगे आवाम से। अच्छा, वो अब ये मई का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो जुलाई में आएगा। अच्छा, जुलाई में आया इस माह, और ये हर महीने बढ़ेगा, ये हर महीने जितनी बिजली की कास्ट होती है उस हिसाब से ये आते रहते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम भी होता है, मगर मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ एक दिन भी कम नहीं हुआ, एक बार भी कम नहीं हुआ, बढ़ा ही हुआ। अच्छा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में क्या होता है कि वो बिजली यानी कि जितनी जो है वो पैदावारी कंपनियों को जितनी बिजली पड़ी है, परचेजर को जितनी बिजली महंगी पड़ी है, वो उस महंगी बिजली का एग्रीगेट निकाल के उतने पैसे आवाम से चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आवाम से चार्ज वो कैसे करते हैं 2 माह के बाद। ठीक है। अच्छा, एक ये है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, आगे इसमें हिडन इतनी चीजें हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि ये क्या चीज है। अच्छा, आगे ये एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर माह चार्ज हो रही है, दूसरा क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, अब वो क्या है। मैं इस पे भी आती हूँ, लेकिन मैं ना फरहान साहब से पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है क्या ये हमारे ऊपर लागू होती है, मतलब कमर्शियल पर लागू होती है या जो घरेलू सार्फीन है उनके ऊपर भी लागू होती है। यहाँ पे अब कानून का तो कोई जवाज रह नहीं गया, कॉन्सेप्ट रह ही नहीं गया कि मैंने अगर ये बात की कि मैं एक घरेलू आम घर में रहने वाला शहरी हूँ, एक सिंगल पर्सन हूँ, मुझे बजाय इस गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। पूरी दुनिया में जो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी ये इवन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये वफाक की जिम्मेदारी है कि उसने इसको सब्सिडाइज करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता। अच्छा। है पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसकी बदनसीब अवाम इन हुक्मरानों की हुई करप्शन खुद भुगत रही है। ये वो पैसा जो IMF से हमने इंस्टॉलमेंट्स पे कर्ज लेना है, कर्ज लेके अवाम से चार्ज किया जा रहा है, चार्ज करके उन हुक्मरानों के बैंक अकाउंट्स में जाता है, फिर यहां से ट्रेवल करके फिर बाहर चला जाता है। इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि हम उन तमाम लोन्स पे, हमने उन तमाम गलत एग्रीमेंट्स पे जो कि कभी भी इस अवाम के लिए बेनिफिशियल नहीं थे, जो ये हाइड्रो की, आपकी कोल से प्रोडक्शन की, आपकी विंड की, आपकी वाटर की, हमने पिछले 40 साल में कौन सा एक डैम लगाया है, हमने कौन सी प्रोडक्शन की पॉलिसी की है, हमारी कौन सी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम किया आपको नजर आए, जो पिछले 4 साल भी थे या उससे पीछे भी आप 35 साल चले जाएं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रोना धोना, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, आपके मिनिस्ट्रियों के तबादले, आपके चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाए, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए। अनफॉर्चुनेटली फरहान साहब, ये हमें दोबारा ये कहना पड़ेगा मुझे कि आने वाले जो 40 साल है ना उसमें भी कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रोडक्शन यूनिट कोई ऐसी चीज नहीं लगेगी जिससे हमें कोई फायदा या आम आवाम को जो है वो रिलीफ पहुंचाएगा। उसके लिए भी मैं एक सिर्फ छोटी सी बात के साथ मुकम्मल करूँ कि उसके लिए प्लानिंग चाहिए, सोच चाहिए, आवाम की सोच चाहिए, मेरी जाती मफाद की नहीं चाहिए। मैंने बात की कि आपने सर्कल चेक किया कि कैसा विशियस सर्कल है। हाँ। कि बाहर से पैसे आए, मैंने उसे बजट में डाला। हाँ। बजट से मैंने अपने अकाउंट में डाला, अपने अकाउंट से फिर मैंने बाहर ट्रेवल कर दिया और हम गुलाम दर गुलाम होते जा रहे हैं। नीलम जेलम सरचार्ज एक लगाया गया था, वो नीलम जेलम जब बनने लगा था उस वक्त प्रोजेक्ट बनने लगा था, उस वक्त सार्फिन के बिलों में लगाया था। अच्छा। वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगाया था नीलम जेलम सरचार्ज, वो प्रोजेक्ट चल गया, पता नहीं कब का चल रहा है, अभी तक बिलों में नीलम जेलम सरचार्ज आ रहा है। अब ये देखें, अभी भी हम दे रहे हैं। यानी कि हालात ऐसे हो चुके हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त आप मार्केट में चले जाएं, फील्ड में चले जाएं,
आपको लोग रोते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, आंसुओं से इतनी है, यकीन करें कि आंसुओं से रोते हुए हमने खुद देखे। बिल इतने ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, कहते यार मेरी बात सुने, चार यूनिट चले हैं, एक बंदा सारी सारा महीना किर्स करके गर्मी में गुजार के, ठीक है, बच्चों को गर्मी में लिटा के पंखे बंद करके बाहर लिटा देता है कि यार बिजली के यूनिट ना ज्यादा चले, ठीक है, मगर उसका बिल कितना आ गया, 4,335 रुपए सिर्फ 39 यूनिट चला के। एक बंदा उसके 85 यूनिट चले हैं और उसका 6,000 रुपए बिल आ गया और वो बेचारा रोना शुरू हो गया। वो अभी फुटेज भी हमारी चल रही होगी प्रोग्राम के साथ साथ ही कि वो रोना शुरू हो गया। वो कहता है यार ये मैं क्या करूं, मेरी समझ से बाहर है, मैं कैसे, मैं सारा महीना गर्मी में गुजारा है, पंखा नहीं चलाया, टाइम सिर्फ उस टाइम पंखा चलाया रात के टाइम जब बच्चों को सुलाना है बस। तो ये सूरत हाल है और लोग कैसे बिल अदा करेंगे, वो परेशान है लोग। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आवाम के लिए, कि अपने अपने बिल में पिछले साल इसी महीने का बिल जरूर देखिएगा। अच्छा। आपके पास जो पिछला जुलाई 21 का बिल है ये 580 यूनिट्स की टोटल बिल कॉस्ट 12,125 रुपए। अच्छा। इस वक्त आज हम 664 यूनिट का बिल 21,000 समथिंग दे रहे हैं, तकरीबन आपका 9,000 रुपए का फर्क है सिर्फ इन 50 यूनिट्स के साथ एक साल में। ये इस आवाम के साथ ये ज्यादती की जा रही है और इस ज्यादती का एंड कहीं नहीं है। आप कहें कि किसी हुक्मरान के चेंज होने की वजह से हुआ, किसी गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से हुआ, तो वो मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे नाकाम रही कि हमने इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, हमने पॉलिसी को कैसे लेके चलना है। और ये वो लोग हैं जो पीडीएम 13 जमातों की मुश्तरका जमात है जिसमें तमाम तजर्बाकार लोग शामिल हैं, बट इन्हें सिर्फ नैब के केसेस खत्म करने की जल्दी है और एफआईए के केसेस की। तो आप ये देखें कि बिलों में टैक्सेस की जो शरह है वो तो आपने देख ली, अब उससे बड़ा जुल्म जो आवाम के साथ हो रहा है वो कोई उस पर नोटिस ही नहीं ले रहा। वो जुल्म ये है कि हर जो है वो सारफ को कभी ना कभी बिल एडजस्टमेंट की मद में आ जाता है, बिल आ जाता है, वो कितना है 40,000 रुपया बिल एडजस्टमेंट, वो लेस को किस बिल एडजस्टमेंट की मद में आता है कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरा ओवर बिलिंग, ओवर बिलिंग की भरमार है, जहाँ पर ट्यूबवेल्स लगे हैं, जरी ट्यूबवेल्स लगे हैं, जहाँ पर जो है वो ये सरकारी कनेक्शन लगे हैं, इवन के अब तो सूरत हाल ये है कि जो आम घरेलू सार्फिन है उनके बिलों में भी ओवर बिलिंग हो रही है। ठीक है, एक तो टैक्सेस की भरमार, ऊपर से ओवर बिलिंग, और फिर मजेदारी वाली बात यह है, हालात आप आवाम के साथ देखे क्या कर रहे हैं कि वो किसी भी सब डिवीजन में चले जाएं, किसी भी लेस्को के दफ्तर चले जाएं, उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। आपकी बिजली खराब हो जाएगी ना, सिर्फ बिजली खराब, एक तार छोटी सी टूट जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, पूरा पूरा दिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि यार कोई वो इस तरह आता है जैसे वो मनो सलवा का बंदा वेट कर रहा होता ना कि शायद ऊपर से आ जाए, तो यही सूरत हाल होती है कि शायद लाइनमैन आ जाए और हमारी बिजली और हमारी बिजली ठीक है, ये सूरत हाल होती है, सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, वरहान साहब आपसे जानना चाहूंगी खासतौर पर घरेलू सार्फिन के हवाले से कि उनके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लग सकते हैं और कौन कौन से जो टैक्सेस है वो इनवैलिड है, क्या प्रोसीजर होता है इस चीज का, किन किन में छूट मिल सकती है उन्हें। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये तमाम जो प्रोडक्शन, ये तमाम अवेलेबिलिटी और सप्लाई, ये आपकी फेडरेशन की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है। अब वो नहीं कर रही रिस्पांसिबिलिटी पूरी, क्या उनको उनको रियलाइज करवाना है, करते रहना है। आवाम बजाय इसके कि पेट्रोल की प्राइस बढ़े और जाके लाइनों में लगनी शुरू हो जाए, तो हमारी आवाम को भी सोचना पड़ेगा। अच्छा। उसको भी कतई तौर पर कहीं ना कहीं इन चीजों का बायकॉट करना पड़ेगा। कंजम्पशन कम करने से आपके बिल कम नहीं होने, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर आपके ये फ्यूल प्राइसेस एडजस्टमेंट, आपकी एक्साइज ड्यूटी, आपका जनरल सेल्स टैक्स, ये तमाम टैक्सेस आपके घरेलू सार्फिन पे चार्ज नहीं हो सकते। अच्छा। ये जबरदस्ती हैं, गैर कानूनी हैं, इनको चाहे कोर्ट से प्रोटेक्शन दी गई, चाहे मसलहतन वहां से फैसले हुए, बट आज तक इन तमाम की लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग है। आप सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस में जो बेसिक प्राइस आपकी कंजम्पशन की है जी, उसको भी सब्सिडाइज करके आपने लोगों को प्रोवाइड करना है। ये बेसिक लॉ है आपका, और आपने हर शख्स तक बुनियादी जरूरियात की चीजें प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है। जहां तक आपने बात की टैक्सेस की, तो टैक्स तो कोई भी आप चार्ज नहीं कर सकते घरेलू सार्फिन से। आप जो कमर्शियल सार्फिन है उन पे भी स्पेसिफिक रेट्स के मुताबिक, उनकी सेक्टर के मुताबिक आप उनसे चार्ज करें। आप अपनी इन कैपेसिटी को छुपाने के लिए
FBR ने ये दे देते हैं तजवीज कि जनाब आप इनमें फिक्स जो है ना बिजली के बिल के जरिए सबसे आसान है, आपकी एयर टिकट के जरिए सबसे आसान है, आपके मोबाइल पे चार्ज कर दें तो वो सबसे आसान है, गैस के बिलों में डाल दें, आपके पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर हर सारिफ मैंने बताया कि जाके एहतजाज नहीं कर सकता, अब सुबह उठे वो ऑफिस जाए या बिल की तफसील और तरतीब पढ़ने और एहतजाज शुरू कर दे। एहतजाज भी किसके सामने करे, कहाँ करे? ऑब्वियसली इस वक्त तो सूरत हाल है, हमारा मुल्क एक बिल्कुल जैसे हम उजाड़ बयाबान और एक सहरा में एक ऊंट को छोड़ दिया जाता है ना, और उसका कोई वाली वारस और मालिक नहीं होता, उसको पूछने वाला भी कोई नहीं, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलना, वो सिर्फ रब के सहारे इस हुक्मरानों की तरफ देख रहा है जो हुक्मरान अपने सिर्फ इकतदार की खातिर लड़ रहे हैं और किसी को भी आवाम की फिक्र नहीं। फिर फरहान साहब मुझे बताएं, फिर क्या घरेलू सार्फिन के पास कोई ऑप्शन बचता है कि वो इन टैक्सेस को कम करवा सकते हैं, क्या केस करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है फिर? ऑब्वियसली लिटिगेशन, कानून का रास्ता, अदालत का रास्ता तो हमेशा खुला है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि एक आवाम और एक जनरल पब्लिक वो अपनी उस रोजी रोटी के लिए रोजाना एफर्ट करे या कोर्ट कचहरी के और इनके वे बाबडा के ऑफिस के चक्कर लगाए, इसको कहीं ना कहीं आवाम को रेजिस्ट करना होगा। अच्छा। वो बिल्स को रोकना होगा। अल्टीमेटली आप जब नॉन पेमेंट पे आते हैं, जब एहतजाज करते हैं, तो फिर एक गैरतमंद हुकूमत और उसके लोग, उसके मिनिस्ट्रीज, वो तमाम जागते हैं। अब वफाक के प्रोविंसेस के इनके आपस के तनाज़ात और इनके तमाम के तनाज़ात में आवाम पिस रही है। इन पिछले चार माह में तो बिल्कुल किसी ने ये सोचने की जहमत ही नहीं की, गवारा ही नहीं किया कि हम किन के आवाम का बनकर है। फहद आप मुझे बताइए, क्या ऑप्शन ही नहीं बचता फिर आवाम के पास? आवाम के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो बिल जमा करवाएं, बस। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हाँ जी, जितना बिल, क्योंकि वो एहतजाज करेंगे, बिल नहीं जमा कराएंगे, उनका मीटर कट जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि वो अभी आप बता रही थी कि लंबी लाइनें लगी होती है पेट्रोल की, आवाम की सिचुएशन ये है कि आवाम बोलती नहीं है, ठीक है। कम अज कम बोलना तो चाहिए ना, बोले तो सही, हम बोल तो नहीं है, हम आवाम की आवाज ही बन रहे हैं ना, तो हमारी आवाज भी नहीं कोई सुन रहा, क्या करें? सूरत हाल होती है कि आवाम करती क्या, आवाम की सिचुएशन हमारी ये है कि 40 लाख की गाड़ी है, पेट्रोल 10 रुपए महंगा हुआ है और 2 घंटे गाड़ी जो है वो लाइन में लगी हुई है पेट्रोल डलवाने के लिए, उतना पेट्रोल उसने लाइन में जला दिया जितने का उसने फायदा लेना था। यानी कि हमारी आवाम इस तरफ के रास्तों की बजाय इस तरफ जो अपने हकूक की लड़ाई है वो लड़े, उस तरफ आए, ठीक है ना। अब देखें, बिल अदा नहीं कर सकना, ठीक है, ये तो इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, कारोबार नहीं है लोगों के, कारोबार जिनके हैं उनके तो बहुत ज्यादा कारोबार है, बहुत जो अमीर इस वक्त अफरात जर है बेसिकली, तो क्योंकि जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। हाँ जी। ठीक है, जिसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा उसको इन बिलों की टेंशन नहीं है, इसमें 3 टैक्स और शामिल कर लें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिसके पास पैसे नहीं है मेरे जैसे बंदे के पास, उसको 10 रुपए के भी जो है ना वो जब ज्यादा अदा करना पड़ेगा उसको फर्क पड़ेगा, ठीक है। जिसने सारा दिन मेहनत करनी है, जिसने मतलब इस तरह के टैक्सेस के साथ आपका पूरा जो स्केड्यूल है, आपकी जो पूरी आमदनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप घर में कुछ नहीं स्पेंड कर पा रहे होते हैं, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हमारे साथ फरहान शहजाद मौजूद थे, साबिक सदर हैं टैक्स पार एसोसिएशन के। फरहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और फहद अमीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज ने भी हमें ज्वाइन किया था। फहद आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इसके बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं मौसीकी के हवाले से, और म्यूजिक का थोड़ा सा तड़का भी लगा लेते हैं आज के शो में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ही टैलेंटेड हैं, बड़े ही बासलाहियत आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, और आप उनको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते भी रहते हैं कि वो अपनी आवाज़ का जादू भी जगाते हैं, उनकी म्यूजिक ट्रैक्स वीडियोस भी मंजरियाम पर आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी हैं, और आज वो एक और नए गाने के साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं। इससे पहले भी वो हमारे सेट पर आ चुके हैं और यहाँ पर चार चांद लगा चुके हैं। तो मैं जना बात कर रही हूँ अहमद नवाज साहब की, और उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। दोबारा से अहमद आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और खासतौर पर लाहौर न्यूज़ का मैं बेहद मशहूर, उन्होंने जागो लाहौर में दोबारा मुझे इन्वाइट किया और
स्पेशली थैंक्स टू फलक और आपका माशाल्लाह हम लोगों ने भी रिसेंट जो है वो ईद का शो किया, बड़ा मजा आया, लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, सुना और देखा और बड़ा एंजॉय किया लोगों ने। अहमद मुझे बताइए कि कैसा रिस्पांस मिला, नया लॉन्च कर लिया आपने गाना? जी मैंने ये फर्स्ट टाइम ना एक नई ट्रेंडिंग चीज जो है वो लाने की कोशिश की है कि लोग ऑलरेडी जो एक सेट पे खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं सारा कुछ, मैंने इसको एक कल्चरल वाइज जिसे कहते हैं ना एक वीडियो प्रमोट किए, उसको मैंने पूरा सीजन क्रिएट कर दिया एक 5-6 गानों का ना। अच्छा। तो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का मैं बेहद मशकूर कि उन्होंने जो है वो मेरी बड़ी सपोर्ट की, अपना जो है वो सेट दिया जिसपे मैंने परफॉर्म किया और आउटस्टैंडिंग रिस्पांस आया माशाल्लाह, 7 days में 20,000 क्रॉस कर गया माशाल्लाह। वाओ दैट्स नाइस। और टिकटॉक पे बड़ा वायरल है। तो इसका क्या थीम क्या थी और क्या सोचा था इसमें? मैंने बेसिकली आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है सराइकी और पंजाबी का मिक्सचर एक जो चल रहा है ना, अच्छा। उसको मैंने एक किया है और एक इस गाने के अंदर तंज है कि लोग फॉर्मली जो कहते हैं कि यार लड़की की जो लिरिक्स हैं वो लड़का नहीं गा सकता, ऐसा नहीं है। आपकी एक जो स्टाइल है और आपका एक जो अंग है वो बड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, तो वो मैंने आजमाने की कोशिश की और वो बड़ा मजा लिया लोगों ने कि यार ये इस तरह भी हो सकता है। अच्छा। खास तौर पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल पे जरूर जाइएगा, अहमद नवाज अंजुम के नाम से है, और वहां पे जाके गाने की वीडियो जरूर देखिएगा तेरे बाजों, क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि यार वीडियो के अंदर एक्ट भी हो सकता है। मैंने प्रॉपर एक्ट की है एज अ कॉमेडी उस गाने वो तो आपकी जीन्स के अंदर है ना, कॉमेडी तो आपकी जीन्स के अंदर है, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन पहला गाना कौन सा सुना रहे हैं आप हमें? जो आपका हुक्म हम वो चिट्टा चोला। वैसे आज मैंने ब्लैक पहना लेकिन चिट्टा चोला सुनना चाहिए। चले ना, बहुत ही खूब बहुत ही खूब। आपका ढोला तो नहीं नाराज आपसे अहमद? मना नहीं, ढोला पैसे मांग लेते। तो अहमद अगर थोड़ी सी इंडस्ट्री की बात करी जाए तो इससे पहले भी हमने बड़ी पे बात की है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आप जैसे नौजवान हैं जो इसमें आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा ये बात यहाँ पे मैं शेयर भी करूंगा कि अब्बा को माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है, नवाज अंजुम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जाहिर बात है अब्बा के जो गेट्स हैं वो मेरे में भी मौजूद हैं और मैं एज अ कॉमेडियन जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने फिल्म की है। अच्छा। और 2 September को इंशाल्लाह रिलीज होने जा रही है शॉर्ट कट के नाम से, जिसमें जुगन काजिम है, सना फखर है, गौहर रशीद है, नसीम विक्की साहब हैं, मैं हूँ, मेरे वालिद साहब हैं, कैसर प्रिया साहब हैं, अच्छा। गोशी खान है, सखावत नाज है, माशाल्लाह ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग मूवी बनी है और हंस हंस के लोगों की इंशाल्लाह जो है वो पेट दर्द शुरू हो जाए, खराब भी होंगे दर्द भी होंगे। और खास तौर पे मैं ये बताऊं कि हमसाया मुल्क ने एक फिल्म क्रिएट की थी चल मेरा पुत्र, तो उसके रेलिवेंट हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है कॉमेडी कि उसमें सारे हम लोग कॉमेडी के किरदार में नजर आएंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जनाब वैसे ही हमारे जो कॉमेडियन हैं वो क्या बात है उन लोगों की। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, और 4 चांद लगा दिए उन्होंने फिल्म को, तो मतलब ये एक्टिंग भी आपने साथ में शुरू कर दी है। मेरा मानना ये है कि आपको अल्लाह पाक ने जो सलाहियत दी है तो आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छा। ना कि उसको संभाल के रखे या कुछ वक्त आने का इंतजार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को जो चीज मिल रही है वो करते रहना चाहिए। अमूमन मैंने लोगों में देखा है कि लोग इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि यार आज जो है वो मैं ये इवेंट आएगा मेरे पास 2 लाख का या 3 लाख का तब मैं करूंगा, ऐसा नहीं, मैं 70,000 या 80,000 का इवेंट नहीं करूंगा। अब आपको जो चीज मिल रही है वो करें, आपको उसको डिनाई मत करें, क्योंकि अगर 80,000 की अगर आपको कोई बुला रहा है आपको, आप वहां पे आके परफॉर्म करें, शायद वहां से आपको 5 लाख का शो भी मिल जाए, 10 लाख का भी मिल जाए, ये आपकी लक है। और जब मैंने अपने काम का आगाज किया तो अब्बा ने मुझे एक चीज समझाई थी कि बेटा इज्जत को जो है वो जेन में रखना, खास तौर पे ये नहीं कि आप जो आपके दिल में आए वो करते जाओ, ये नहीं, लेकिन आपने ये सोचना है कि आपके अब्बा ने कितनी मेहनत की और जो है मैं उस मेहनत को जो है वो खराब मत करना, अगर आप आए हो तो प्रॉपर तरीके से काम करो। तो फिर अल्लाह का शुक्र है बड़ी बड़े बड़े लोगों ने माशाल्लाह मेरे सपोर्ट की, सुहेल अहमद साहब ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि वो तो मेरे घर के अहम फर्द हैं, और फिर माशाल्लाह इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं सारे, अली बग्गा जी, उमेर अर्शद, सब लोगों ने मुझे मिलके सब ने सपोर्ट किया कि आप करें। एक आर्टिस्ट को ना वर्सेटाइल होना चाहिए, किसी एक चीज पे नहीं सिर्फ रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, मैंने हर जॉनर में गाना किया, मैंने फोक भी किया, क्लासिक भी किया, मैंने यानी कि
कोई ऐसे अपने अंदर वो छोड़ी नहीं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मतलब कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि अच्छा मैं वो भी कर लेता तो शायद हो जाता। मैंने लोगों की जेबें भी मारी। अच्छा वो नहीं बताना था। वो नहीं बताना, ऑन एयर नहीं बताते। अच्छा फैशन की आजकल बड़ी बात हो रही है, तो फैशन पे भी आपने कोई गाना बनाया हुआ? हाँ जी बिल्कुल, फैशन पे मैंने, आजकल की जो लड़की है ना उनका अंदाज ही अलग है, तो मैंने कहा यार क्यों ना इन पे एक तंज मारा जाए, तो वो मैंने किया। अब यकीनन आपको पसंद आएगा। एग्जैक्टली, क्या बात है जनाब, क्या बात है। मतलब किसको देखकर, किसको सोच के गाना बनाया? बड़ी आई है मेरे ना उसमें जिंदगी में, लेकिन वो चली गई। अच्छा, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। लेकिन अब एक है जो आपके साथ जिंदगी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह, और एक ही आई है, एक ही है, और माशाल्लाह बच्चे भी हैं तीन, और अल्लाह का शुक्र है। अहमद मुझे बताइए, आप कॉमेडी भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, तीनों में मुश्किल ज्यादा क्या लगता है? मुझे जो है फर्स्ट टाइम जब मैंने परफॉर्म किया था तो ऑडियंस के सामने, तो जो मेरी हालत थी वो मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं घबरा भी रहा हूँ फर्स्ट टाइम। अच्छा। सामने गुलाम अब्बास साहब बैठे हैं, गुलाम अली खान साहब बैठे हैं, उनके सामने मैं अलहमरा में परफॉर्म कर रहा था। अच्छा। तो मैं उस टाइम बड़ा डरा हुआ था, और अब्बा भी साथ थे स्टेज पे, कि यानी कि अब्बा नहीं थे, लेकिन वो एक खौफ जो था ना ऑडियंस का, तो वो मेरे पसीनों पसीन हो गया। मैंने कहा यार ये मैं क्या, मुझे ये क्यों इस तरह हो रही फीलिंग। लेकिन वो दिन आज का दिन है, उसके बाद मैं नहीं घबराया ना कैमरे से और ना ही जो है वो इससे। एक वो इंसान की जो कॉन्फिडेंस एक डेवलप हो जाता है, एक जो जिसे कहते हैं झाका, वो उतर जाता, तो वो बस उसके बाद फिर अहमद नवाज नहीं रुका, फिर अहमद नवाज नहीं रुका और ना ही रुकेगा इंशाल्लाह। आगे एक्सेल करने में किस में मतलब चाह रहे हैं, एक्टिंग में ज्यादा एक्सेल करेंगे, सिंगिंग में या कॉमेडी में? मैं सब चीजों को लेकर चलूंगा, सब चीजों को लेकर चलूंगा। अभी तो जो है मेरी उम्मीदें पूरी फिल्म पे है, कि जब लोग काम देखेंगे फिल्म में, क्योंकि इसमें एक अहम रोल है मेरा, कि मैं जुगन काजिम जी और सना फखर जी का भाई बना हुआ हूँ। अच्छा। और गौहर रशीद और नसीम विक्की साहब मेरे दोस्त हैं। अच्छा। और वो मेरी बहन पे डोरे डालते हैं मुझे बीच की पिल्ली बना के, तो फिर वो सारी जुगतबाजी और वो सारा कुछ है, वो एक्सप्रेशंस और वो कॉमेडी, वो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, लोगों को बहुत पसंद आएगा। और खास तौर पे यहाँ पे अबू अली हाजी का क्रेडिट देता हूँ, कि जिन्होंने फिल्म क्रिएट की, और जवेद अहमद साहब जिन्होंने प्रोड्यूस की, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो अहमद जो आपको देख रहे हैं, जो लड़के लड़कियां हैं जो इधर आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, उनको क्या आप मशवरा देंगे, एडवाइस क्या करेंगे, कितनी मेहनत दरकार होती है, कितना टैलेंट हमें चाहिए होता है? मैं यहाँ पे एक चीज बड़ी डिस्क्राइब करता चलूँ लोगों को, कि लोग समझते हैं कि यार इंसान रातों रात काम करता है कुछ ऐसा, और सुबह वो आंख खुलती तो वो सुपरस्टार हो जाता है। एग्जैक्टली, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ बड़ी शॉर्ट है, और इंसान को जो है वो बड़े सोच समझ के कदम रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं जो आजकल की नई जनरेशन है वो समझती है कि यार मैं आज रात को कुछ करूंगा और सुबह मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, ऐसे नहीं। इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं उनके पीछे 25 साल की मेहनत है, 30 साल की मेहनत है, कोई एक दिन के अंदर यहाँ पे आके स्टैंड नहीं कर गया। और बल्कि आप एक चीज़ नोट यहाँ पे की होगी आपने, कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो उनके जाने के बाद उनके गाने हिट हुए हैं। हाँ जी एग्जैक्टली, जब उनका वक्त मुकर्रर था उनको जब ही शोहरत मिली। तो इंसान को डटे रहना चाहिए अपने काम पे, नियत से काम करते रहना चाहिए, तो आपको एक दिन फल जरूर मिलता है बेशक। और आपका नया गाना जो है वो आ चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपने हमें बता दिया है जी बिल्कुल, कि उसका ट्रैक भी है और आप जाके उसको सोशल मीडिया पर। यकीनन आप लोगों को वीडियो इतना को मजा देगी, आप लोग एक दो बार जरूर जाके देखिएगा, अहमद नवाज अंजुम लिखेंगे जस्ट यूट्यूब पे, और आपको वहाँ पे